कानपुर में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां गलत इंजेक्शन लगने से एक युवक की मौत हो गई। मामला गोविंद नगर स्थित डीटी नर्सिंग होम का है, जहां 28 साल के मनीष को पेट दर्द की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि पहले तो मनीष पूरी रात दर्द से कराहता रहा, लेकिन डॉक्टर ने उसे देखने की जहमत नहीं उठाई और जब सुबह डॉक्टर मनीष को देखने आए तो उन्होंने उसे एक इंजेक्शन लगाया, जिसके कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। वहीं युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। अपने भाई को कार से बैठा के मैं लेके आया, कल से सवेरे से परेशान था वो, उसको मैं 2 बजे आया यहाँ, 11 बजे यहाँ पे आया तो कह रहे 2 बजे डॉक्टर साहब मिलेंगे। 2 बजे मैं आया उसको लेके यहाँ डॉक्टर गया, तो डॉक्टर साहब मिले तो इन्होंने जल्दी कहा वहाँ पे ये करा दो वो करा दो जाके, मैंने कराया। जहाँ जहाँ इन्होंने कहा पैसे देने के लिए, मैंने पैसे दिलवाया अपनी माँ से। फिर इन्होंने कंपाउंडर को लिखा दवाइयाँ, कंपाउंडर गया लगाने इसको। रात में दिक्कत हुई तब क्या हुआ? रात में इसको दिक्कत, हम 4 लोग थे साहब, 4 लोग हम लोग इससे रोज मतलब रात में कह रहे हैं भैया उसको दिक्कत हो रही है, कोई लैट्रिन वाली दवाई लगा दो तो मतलब उसकी लैट्रिन उतर जाए। उसने नहीं सुना, कह रहे थे कल सुबह हम उसकी लैट्रिन निकाल देंगे। वो आया सुबह उठ के 7 बजे उसने इंजेक्शन लगा दिया और वो बिल्कुल ठंडा हो गया। हमने उसको थोड़ी देर बाद पेट में उसके हाथ लगाए तो बिल्कुल ठंडा शरीर, हमने मैडम से आके बताया, मैडम कह रही है उसको दवाई का असर है, उसको ठंडा पेट सूझा सूझा रहने दो, आप जाइए। हमने डॉक्टर साहब को बुला दिए, कह रहे डॉक्टर साहब 10 बजे आएंगे। हालांकि दूसरी ओर डॉक्टर ने परिजनों के आरोप को नकार दिया और किसी भी तरह की लापरवाही से इनकार किया। हमें कुछ बताया भी नहीं गया, लेकिन मरीज को तकलीफ थी, उसको दर्द था, दर्द तो स्वाभाविक था कि पेट में आंत फंसी हुई है तो दर्द तो हो गई, दर्द था, दर्द के लिए दवाई चल रही थी, बाकी जो चलना था वो चलना था। अगर मरीज ना ठीक होता तो हो सकता है इसका ऑपरेशन भी करना पड़ता, पर इतना समय नहीं था, मरीज 4 दिन से पहले ही परेशान था। तो हमारे पास जब आया तब इसी स्थिति में आया कि हम उसका इलाज भी इतनी देर 10 घंटे में हम क्या इलाज करते। वही हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने इसी तरह कड़ी मशक्कत के बाद हंगामा कर रहे परिजनों को शांत कराया और जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपुर से अमरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट।